मच और मैनी, मच और मैनी दोनों का ही मतलब बहुत होता है, बट मच और मैनी दोनों का यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है। मच का यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल के लिए और मैनी का यूज़ किया जाता है काउंटेबल के लिए। जैसे मच का यूज़ हम कैसे करेंगे, आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी, आई हैज परचेज्ड मैनी बुक्स। तो इसी तरीके से आप मच और मैनी का यूज़ कर सकते हैं। अनोदर, अदर, एनी अदर, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, बट तीनों का यूज़ होता है जो अलग अलग तरीके से होता है। अनोदर का यूज़ आप सिंगुलर में करेंगे, अदर का यूज़ आप प्लूरल में करेंगे, और एनी अदर का यूज़ आप चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आप नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी हैज़ परचेज्ड अनोदर बुक। अब यहाँ पर एक ही बुक की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पर अनोदर वर्ड आया। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, शी हैज़ परचेज्ड अदर बुक्स, यहाँ पे बहुत सारी किताबों की बात हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पे अदर यूज़ किया। शी हैज़न्ट परचेज एनी अदर बुक या एनी अदर बुक्स, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, इसमें आप दोनों में एनी अदर का यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। फ्यूअर एंड लेस, दोनों का मतलब ही सेम होता है, दोनों का मतलब होता है कम संख्या के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्यूअर का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं और लेस का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्यूअर पर्संस वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, कम ही लोग आपके मीटिंग में उपस्थित थे। आई हैव लेस मनी टू बाय दिस, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं इसको खरीदने के लिए। लुक, सी और वॉच, इन तीनों का मतलब देखना होता है, बट क्या होता है इन तीनों का यूज़ हम अलग अलग सेंस में करते हैं। सी का यूज़ हम जब करते हैं, जब हम किसी चीज़ को मतलब इंटेंशनली नहीं देखते हैं, हम ऐसे ही कोई चीज़ नॉर्मल देखते हैं, हमारी आँखें तो हम लोगों को देख रहे हैं, ये इसमें आपका सी का यूज़ होता है। जैसे आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा था, मतलब मैंने तुम्हें वैसे देखने के लिए नहीं गया था, बट आप मुझे देख गए तो मैंने आपको देख लिया, आई सॉ यू। वॉच, वॉच का मतलब होता है किसी को केयरफुली देखना, उसको इंटेंशनली देखना, उसमें हम वॉच का यूज़ करते हैं, जैसे आई वॉच मूवी। और अगर लुक, लुक का मतलब होता है किसी का हम ध्यान लाकर कहते हैं कि देखो यहाँ देखो, लुक एट दिस, तो जब हम किसी से कहते हैं कि यहाँ देखो वहाँ देखो या ये देखो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, लुक का यूज़ करते हैं। जेलस वर्चेस जेलस, जे ई ए एल ओ यू एस, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना या जलन। जेड ई ए एल ओ यू एस, जेलस का मतलब होता है उत्साही होना, उत्साही। ही इज ऑलवेज जेलस, मतलब वो हमेशा जलता है या वो हमेशा ईर्ष्या करता है। और अगर मैं जेड वाली स्पेलिंग की बात करूँगा तो ही इज वेरी जेलस फॉर हिम न्यू बुक, मतलब कि वो अपनी नई बुक के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही है। तो देखिएगा बस जे और जेड की वजह से इसका पूरा मीनिंग अलग हो गया। तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट स्पेलिंग अलग होने की वजह से इनका मीनिंग भी अलग होता है। आई एन इन वर्चेस आई एन डबल एन इन, इनका मतलब आई एन इनका मतलब होता है मैं किसी चीज़ के अंदर होने से, आई आई एम इन दी रूम, मैं रूम में हूँ, और आई एन डबल एन का मतलब होता है होटल। दिस इन इज़ वेरी गुड, ये होटल बहुत बढ़िया है या बहुत अच्छी है। फाइल वर्चेस फाइल, एफ आई एल ई फाइल, पी एच आई ए एन फाइल, फाइल एफ आई एल ई का मतलब होता है फोल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई जो डॉक्यूमेंट्स का हमारा जो फोल्डर होता है उसको हम फाइल कहते हैं। पी एच आई ए एल फाइल का मतलब होता है स्मॉल ग्लास बॉटल। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लीज़ सबमिट योर फाइल, अपनी फाइल सबमिट कर देना। फिल द मिल्क इन फाइल, मतलब ग्लास की छोटी बॉटल में दूध फिल कर देना, मिल्क फिल कर देना या मिल्क भर देना।